एक कहावत है कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। जो कहावत आज के समय यूनाइटेड किंगडम के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठ रही है, क्योंकि एक समय था जब लगभग आधी दुनिया पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। इस मैप में आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी देश लाल कलर में हैं, उन सब पर एक समय पर अंग्रेजों का राज था। और जब अंग्रेज इन सभी देशों को छोड़कर गया, तब इन देशों का बंटवारा करके गया। और ये बंटवारे भी ऐसे किए गए जिन्हें लेकर आज भी वहां पर सीमा विवाद चल रहे हैं। जैसे इसका उदाहरण भारत और पाकिस्तान में देखा जा सकता है। जब अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किया, तब से जम्मू कश्मीर की समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं फिलिस्तीन और इसराइल का सीमा विवाद भी ब्रिटेन के कारण ही है। इसके अलावा अफ्रीका में भी ऐसे कई देश हैं जिनका विभाजन भी अंग्रेजों ने कर दिया था, और आज भी वे देश अपने सीमा विवाद के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन जैसा कहा गया है कि इतिहास खुद को कभी ना कभी दोहराता है, वो समय आ गया है। क्योंकि जिस भारत का विभाजन ब्रिटेन ने किया था, उसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति ऋषि सुनक है, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति हुमजा यूसुफ यूनाइटेड किंगडम के राज्य स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री है। ऐसे में जब यह हुमजा यूसुफ स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री बने हैं, तब से इन्होंने यूनाइटेड किंगडम से अपने स्कॉटलैंड की आज़ादी की एक नई मुहिम छेड़ दी है। असल में पिछले कई दशकों से स्कॉटलैंड अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी मांग पूरी नहीं हो रही है। लेकिन जब से हुमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बने हैं, तब से स्कॉटलैंड की आज़ादी की मांग काफ़ी तेज हो गई है। क्योंकि हुमजा यूसुफ की पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी की प्रमुख मांग स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद कराना है। इस कारण ये पार्टी जब सत्ता में आई है, तब से स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग होने के लिए खूब प्रयास कर रहा है, जिसके लिए ये पार्टी यूनाइटेड किंगडम में एक रेफरेंडम यानी एक चुनाव करवाना चाहती है, ताकि पता चले कि स्कॉटलैंड के लोग यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग क्यों होना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग क्यों होना चाहता है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण है, फिर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में क्या फर्क है, और क्या स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से टूटकर एक अलग देश बन पाएगा, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में क्या फर्क है, इसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो यूनाइटेड किंगडम यूरोप के उत्तर पश्चिम तट से दूर एक स्वतंत्र देश है। इस देश में ग्रेट ब्रिटेन का पूरा द्वीप और आयरलैंड द्वीप का उत्तरी भाग शामिल है। असल में यूनाइटेड किंगडम का आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थन आयरलैंड है। इस मैप में आप यूनाइटेड किंगडम को देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, और वर्तमान में इसके प्रमुख किंग चार्ल्स द्वितीय है और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। अब इस दूसरे मैप को देखें। यह ग्रेट ब्रिटेन जो फ्रांस के उत्तर पश्चिम और आयरलैंड के पूर्व में स्थित एक द्वीप का नाम है। तो ग्रेट ब्रिटेन का यह द्वीप तीन ऑटोनोमस क्षेत्रों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना हुआ है। और ग्रेट ब्रिटेन दुनिया का 9वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 80,823 वर्ग मील है। अब इसमें स्कॉटलैंड और यह वेल्स कोई स्वतंत्र देश नहीं है, फिर भी आंतरिक शासन के संबंधित कुछ विशेष अधिकार यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इन क्षेत्रों को दिए गए हैं। पर आज स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन से अलग होकर एक नया देश बनना चाहता है, क्योंकि यह स्कॉटलैंड के लोग मानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन ने पुराने समय में गलत तरीके से स्कॉटलैंड पर कब्जा करके उसे अपने शासन में मिला दिया है। साथ ही स्कॉटलैंड के लोग यह भी मानते हैं कि उनका कल्चर और रहन सहन पूरी तरह से ब्रिटेन के लोगों से अलग है, क्योंकि इतिहास में स्कॉटलैंड के बारे में 55 और 100 ईसा पूर्व में जानकारी मिलती है कि उस समय रोमन जनरल जूलियस सीजर ने स्कॉटलैंड पर हमला किया था। असल में उस समय स्कॉटलैंड नाम का कोई देश मौजूद नहीं था। सभी लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे जिन क्षेत्रों पर रोमन साम्राज्य का अधिकार था, लेकिन कबीलाई लोगों के लगातार हमलों के कारण रोमन साम्राज्य को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इस कारण 212 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का अधिकार स्कॉटलैंड से हट गया था। लेकिन इसके बाद वाइकिंग्स ने स्कॉटलैंड के क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया।
और वाइकिंग्स के हमलों से स्कॉटलैंड को बचाने के लिए केनेथ मैकल्पिन ने स्कॉटलैंड के सभी बिखरे हुए इलाकों को एग्जिट किया और 843 ईस्वी में किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की और ये मैकल्पिन स्कॉटिश किंगडम के पहले राजा भी बने। इसके बाद 1296 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड प्रथम ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष चला। फिर 1336 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो युद्ध 116 साल तक चला। इस कारण इस युद्ध को 100 ईयर वॉर भी कहा जाता है। लेकिन इस युद्ध के चलते इंग्लैंड का फोकस स्कॉटलैंड पर से हट गया था। फिर इसके बाद साल 1603 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मौत हो गई। अब महारानी का कोई भी बच्चा नहीं था। ऐसे में स्कॉटलैंड के राजा जेम्स को महारानी का उत्तराधिकारी चुन लिया गया। अब जेम्स के समय में स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग अलग देश बना दिया गया। लेकिन साल 1690 में स्कॉटलैंड ने पनामा को हथियाने की कोशिश की, जिसमें स्कॉटलैंड नाकाम तो हो गया, साथ में स्कॉटलैंड का खजाना भी खाली हो गया और स्कॉटलैंड संसद के अंदर भी विभाजन पैदा हो गया और लोगों को अपने शासन से भरोसा भी कम हो गया। जिसके बाद मई 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एक होने का फैसला लिया, जिसको ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया। तो अब इस यूनियन के बनने से स्कॉटलैंड को काफ़ी आर्थिक सुरक्षा मिली, साथ ही इंग्लैंड को औपनिवेशिक ट्रेड रूट का एक्सेस भी मिल गया। लेकिन करेंसी, टैक्स और व्यापार से संबंधित विषयों का पूरे ग्रेट ब्रिटेन में एक ही तरह का सिस्टम लागू कर दिया गया, पर कानून, धर्म और शिक्षा जैसे मुद्दों पर स्कॉटलैंड का अधिकार बना रहा। फिर इसके बाद स्कॉटलैंड ने लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी ज्वाइन कर लिया, जिससे स्कॉटलैंड के चुने हुए सांसद लंदन की संसद में बैठने लगे और वोट भी करने लगे। लेकिन इसके बाद भी इस यूनियन का विरोध होने लगा और लोग स्कॉटलैंड को आज़ाद कराने की मांग पर अड़ गए और स्कॉटलैंड को आज़ाद कराने का यह आंदोलन आज भी चल रहा है। तो इसके बाद स्कॉटलैंड में 1934 में स्कॉटलैंड की आज़ादी की मुहिम चलाने वाली दो राजनीतिक मुख्य पार्टियां नेशनल पार्टी ऑफ स्कॉटलैंड और स्कॉटिश पार्टी आपस में मिल गई और स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी SNP का निर्माण हुआ और यही पार्टी आज भी ग्रेट ब्रिटेन से स्कॉटलैंड की आज़ादी की मुहिम चला रही है। और इसी स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी SNP के प्रभाव के कारण साल 1997 में स्कॉटलैंड के लिए एक अलग संसद बनाने की मांग उठाई गई, जिसके लिए जनमत संग्रह कराया गया और यह जनमत संग्रह सफल भी रहा। फिर मई 1999 में एडिनबरा में इस संसद की पहली बैठक हुई, जिसके बाद इस संसद को शिक्षा, हेल्थ और पर्यावरण जैसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिला। लेकिन इमिग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और रोजगार पर कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही रहा। अब स्कॉटलैंड को नई संसद मिलने से इस पार्टी का प्रभाव पूरे स्कॉटलैंड में धीरे धीरे बढ़ने लगा और यह स्कॉटलैंड की प्रमुख पार्टी बन गई और साल 2011 में SNP यानी स्कॉटिश नेशनल पार्टी को संसद में पहली बार बहुमत भी मिला, जिसके बाद स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाने की एक नई मुहिम शुरू हो गई। इस कारण साल 2014 में ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम यानी स्कॉटलैंड स्वतंत्रता जनमत संग्रह हुआ, जिसमें स्कॉटलैंड के लोगों द्वारा वोट किया गया कि वे ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस रेफरेंडम में 55.3% लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के लिए वोट किया, जबकि 44.7% लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ नहीं रहने के लिए वोट किया। ऐसे में 55.3% वोट ब्रिटेन के साथ रहने के लिए किए गए थे, इस कारण स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन से अलग नहीं हो पाया। फिर भी स्कॉटलैंड को स्वतंत्र कराने की मांग स्कॉटिश नेशनल पार्टी द्वारा अब भी जारी है, क्योंकि 2014 के स्कॉटिश रेफरेंडम के बाद भी स्कॉटलैंड की आज़ादी की मुहिम का प्रमुख कारण ग्रेट ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना था, यानी ब्रेग्जिट के कारण स्कॉटलैंड में आज़ादी की मुहिम वापस से शुरू हो गई। क्योंकि ब्रेग्जिट के कारण स्कॉटलैंड के तटों से यूरोपीय यूनियन के समुद्री खाद्य पदार्थों पर प्रभाव पड़ने लगा। असल में यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद स्कॉटलैंड के लोगों के समुद्री व्यापार में 80% तक की कमी आ गई है। साथ ही ब्रेग्जिट के कारण अब स्कॉटिश लोगों को एक नए डॉक्यूमेंट और नए नए नियम मानने पड़ रहे हैं, यानी स्कॉटिश लोगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया ब्रेग्जिट अपने ऊपर अत्याचार जैसा लगने लगा। क्योंकि साल 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए एक जनमत संग्रह कराया था,
जिसमें स्कॉटलैंड के 62% लोगों ने यूरोपियन यूनियन में बने रहने के लिए वोट किया था, यानी ये ब्रेग्जिट नहीं चाहते थे। फिर भी स्कॉटिश लोगों की मर्जी के बिना ही यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ब्रेग्जिट हो गया। यानी स्कॉटिश लोग ये चाहते हैं कि ऐसे कोई भी फैसला ना लिया जाए जिसके लिए स्कॉटलैंड की तैयारी ही ना हो। तो स्कॉटलैंड ब्रेग्जिट नहीं चाहता था, फिर भी ब्रेग्जिट हो गया, जो स्कॉटलैंड के लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। फिर स्कॉटलैंड की आबादी करीब 55 लाख के आसपास है, यानी ये आबादी ग्रेट ब्रिटेन की कुल आबादी की सिर्फ 8% ही है। इस कारण स्कॉटलैंड के लोगों के अनुसार ब्रिटिश संसद में स्कॉटलैंड के लोगों का कोई प्रभाव नहीं चलता है। सारे नियम और कानून ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड के फायदे को देखकर ही बनाती है, और जिसका विपरीत प्रभाव स्कॉटलैंड के लोगों को उठाना पड़ता है, जैसे ब्रेग्जिट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1/3 है, और इंग्लैंड की तुलना में स्कॉटलैंड की ज़्यादातर सीमा नॉर्थ सी से लगती है। इस कारण स्कॉटलैंड को लगता है कि एक आज़ाद मुल्क के तौर पर एक बड़ी समुद्री सीमा से वो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में इस समुद्री व्यापार से अर्जित होने वाला अधिकतर धन पूरे यूनाइटेड किंगडम में बांट दिया जाता है। साथ ही स्कॉटलैंड में कच्चे तेल के कई रिजर्व भी मौजूद है, जिन्हें भी पूरे यूनाइटेड किंगडम में भेजा जाता है। ऐसे में अगर स्कॉटलैंड एक आज़ाद देश होता तो इस तेल का इस्तेमाल विदेशी धन कमाने में भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, 2020 की द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि स्कॉटलैंड में बनने वाला 60% सामान इंग्लैंड में बिकता है। फिर भी सामान से प्राप्त होने वाला धन स्कॉटलैंड के विकास में नहीं लगाया जाता है। साथ ही स्कॉटलैंड ये भी चाहता है कि पश्चिमी स्कॉटलैंड में रखे हुए ब्रिटेन के परमाणु हथियार यहाँ से हटा दिए जाए। और हाल ही में हमजा यूसुफ को स्कॉटिश नेशनल पार्टी का नया नेता चुना गया है, जिनके हाथों में सभी विधायी और कार्यपालिका की शक्ति है। और हमजा यूसुफ ने अपने चुनाव प्रचार में स्कॉटलैंड की आज़ादी का मुद्दा खूब उठाया था। इस कारण वर्तमान समय में ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड की आज़ादी का मुद्दा गर्माया हुआ है। और अगर ग्रेट ब्रिटेन से स्कॉटलैंड की आज़ादी के मुद्दे की बात करें तो 2022 में स्कॉटलैंड सरकार को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया था। ब्रिटिश कोर्ट के अनुसार ब्रिटिश संसद की मंजूरी के बिना स्कॉटलैंड को जनमत संग्रह कराने का अधिकार नहीं है, और स्कॉटलैंड बिना ब्रिटिश संसद के ना तो जनमत संग्रह करा सकता है और ना ही आज़ाद हो सकता है। तभी तो हाल ही में रूसी सोनक ने भी स्कॉटलैंड का जनमत संग्रह करवाने के मुद्दे को खारिज कर दिया, जिसके बाद ये आसानी से कहा जा सकता है कि स्कॉटलैंड को ना चाहते हुए भी ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना पड़ेगा अभी के लिए। फिर आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।